हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अर्चना जैन, सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट, बेबी जॉय आईवीएफ साकेत से आप लोगों से बात कर रही हूं। आज हम बात करेंगे कि आईयूआई और आईवीएफ इन दोनों प्रोसीजर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। आईयूआई का फुल फॉर्म होता है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इसका मतलब ये है कि इसमें हम आईवीएफ की तरह भ्रूण बाहर नहीं बनाते हैं। इस प्रोसीजर में हम हस्बैंड का सीमेन लेके उसे लैब में वॉश करते हैं, सारी इम्प्योरिटीज अलग करके फिर जो बेस्ट स्पर्म्स मोटाइल स्पर्म्स होते हैं उन्हीं को लेके स्त्री के यूट्रस के अंदर यानी कि गर्भ के अंदर उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस वाले सिचुएशन में हम अंडे बनाने के लिए कुछ दवाइयां देते हैं। जब एक या दो अंडे बड़े हो जाते हैं उसके बाद जब उन्हें ट्रिगर का इंजेक्शन लेके एग रप्चर का इंजेक्शन दिया जाता है और उसके 36 आवर्स के बाद हस्बैंड से सीमेन लेके उसे वॉश करके वजाइना के थ्रू यूट्रस में पतली से कैथेटर के थ्रू उसे डिपॉजिट कर दिया जाता है। इस प्रोसीजर को हम आईयूआई बोलते हैं। आईवीएफ एक थोड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसमें इसे करने के जो स्टेप्स हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, यानी कि इसमें एक या दो अंडे बनाने की बजाय हम इंजेक्शन देते हैं 8 से 10 दिन के स्त्री को, जिससे कि उसके अंडों का साइज बढ़ जाता है। जब अंडों का साइज एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाता है तो उनको रप्चर करने के लिए ट्रिगर का इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन रप्चर होने से पहले ही उन अंडों को पिकअप के जरिए निकाल लिया जाता है। उधर हस्बैंड से भी फीमेल लेके उसे वॉश करके उन्हीं अंडों के साथ मिला दिया जाता है और उससे फिर भ्रूण बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब वह भ्रूण 3 से 5 दिन का हो जाता है तो वह भ्रूण एक कैथेटर के जरिए गर्भ में डाल दिया जाता है। तो दोनों तकनीक में बेसिक फर्क यही है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है यानी भ्रूण बनने का प्रोसेस आईयूआई में शरीर के अंदर होता है, जबकि आईवीएफ में यही प्रोसीजर हम लैब में करते हैं। और लैब में जब वो भ्रूण 3 से 4 दिन या 5 दिन का हो जाता है तो स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। इन दोनों ही प्रोसीजर में 15 दिन की दवाइयाँ दी जाती हैं और 15 दिन के बाद ही आपको बीटा एचसीजी का टेस्ट करा के पता चलता है कि प्रेगनेंसी ने अपनी जगह ली या नहीं ली। अब दोनों में सक्सेस रेट का भी फर्क है। आईयूआई की सक्सेस रेट हमने देखा है कि 10 से 15% ही होती है एक साइकिल में, जबकि आईवीएफ की सक्सेस रेट वो सेंटर टू सेंटर भी डिपेंड करती है, बट जनरली 40-50% सक्सेस रेट एक अटेम्प्ट में देखी गई है। यही साइकिल्स अगर आप 2 या 3 बार कराते हैं तो आपकी सक्सेस रेट पहले से बेटर हो जाती है, क्योंकि उसमें कुछ कारणों का भी पता चल जाता है और पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी और एम्ब्रियोज का भी पता चल जाता है कि किस क्वालिटी के उनके एम्ब्रियोज बन रहे हैं। बाकी थर्ड जो चीज़ होती है वो कॉस्ट होती है। आईयूआई का प्रोसीजर कॉस्ट वाइज कम लागत में हो जाता है, जबकि आईवीएफ क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया है तो क्योंकि इसमें इंजेक्शन लगते हैं जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, लैब के प्रोसीजर्स भी थोड़े महंगे होते हैं, तो आईयूआई से उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो आईवीएफ आईयूआई के मुकाबले बेटर सक्सेस रेट आपको प्रॉमिस करता है। और थर्ड जो फोर्थ जो चीज़ है वो इंडिकेशंस हैं। आईयूआई हर पेशेंट में नहीं किया जा सकता है। अगर किसी की ट्यूब ब्लॉक हैं या उसका एग रिजर्व बहुत ही ज़्यादा लो है या फिर स्पर्म मोटाइल नहीं है, बहुत लेस स्पर्म काउंट है, बहुत कम स्पर्म्स हैं, ऐसी सिचुएशन में आप आईयूआई नहीं कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन में आपको आईवीएफ के लिए ही जाना पड़ेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपने डॉक्टर से अपनी स्थिति के बारे में जानकर आगे की अपनी प्रक्रिया जो है वो समझ सकते हैं। थैंक यू।